हेलो फ्रेंड, मेरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ सहजन की फली की सब्जी। इसको हम ड्रम स्टिक, मोरिंगा या मुनगा के नाम से भी जानते हैं। यह बहुत ही पौष्टिक और गुणकारी सब्जी होती है, क्योंकि इसमें विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, साथ ही पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड, सहजन की फली की सब्जी बनाने में क्या सामान यूज़ करेंगे वो आगे देखते हैं। यह बहुत ही कठोर होता है, इसलिए हम इसको थोड़ा उबालेंगे। मैंने सहजन की फली को पहले से ही छील कर रखा हुआ है। अब इसको उबालने के लिए मैंने उसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड किया हुआ है। यहाँ आलू और झुनगे के बीन्स को भी मैंने उबाल कर रखा है, साथ ही दो बड़े साइज के प्याज, एक बड़ा साइज का लहसुन और चार बड़े साइज के टमाटर ले रखी हूँ। साथ ही कुम्भड़े का चंक्स भी इसमें ऐड कर रही हूँ। और मैंने एवरेस्ट का मसाला यूज़ किया है। नमक को उसके स्वादानुसार यूज़ करूँगी। मैंने पतंजलि का मैगी मसाला भी लिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सहजन की फली की सब्जी बनाने की पूरी प्रोसेस को देखते हैं। वैसे तो सहजन की भाजी को भी सब्जी के रूप में उपयोग में लाया जाता है, साथ ही इसके फूल को भी सब्जी के रूप में उपयोग में लाया जाता है। इसका छाल, जिसको हम बार्क बोलते हैं, और रूट को भी औषधि के रूप में उपयोग करते हैं। यह हर सीजन में मिलने वाली सब्जी है। जिन माताओं की डिलीवरी हुई रहती है, उनको खास तौर पर इसकी सब्जी खिलाई जाती है, क्योंकि यह दूध के उत्पादन को भी बढ़ाता है और साथ ही शरीर में गर्माहट लाती है। इस सब्जी को बनाना बहुत ही आसान है। देखिए फ्रेंड, मुनगे की सब्जी को ग्रेवी के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसमें ग्रेवी ज़्यादा रखूँगी। अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।